जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। साथियों, आपको पता है कि आपके वीडियो के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, जिसके लिए आप सभी करंट अफेयर्स की बात कर रहे थे। ठीक है, आपको बता दें, इसके पहले हमने दोस्तों आप सभी के लिए 100 क्वेश्चंस का एक करंट अफेयर का क्लास चलाया था, बूस्टर डोज चलाया था। ठीक, उसे आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं दोस्तों ये पार्ट टू लेकर के आ चुका हूँ दोस्तों। इसमें भी हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें भी हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके सामने लेकर के आने वाले हैं। आपको बता दें कि अगर पहली बार आए हैं, देखिए इस प्ले लिस्ट पर आप जाइएगा, यहाँ पर आपको करंट अफेयर मिल जाएगी, यूपी स्पेशल मिल जाएगा और हिंदी के दोस्तों की रिविजन सीरीजें मिल जाएंगी, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो एक बार इस पर जाकर दोस्तों एक बार अवश्य देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया है, मात्र 9 वीडियो में संपूर्ण हिंदी साहित्य हमने समाप्त कर दिया, जाकर के देख सकते हैं। इसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं करंट अफेयर। सबसे चलिए देखते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना चलाएगा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, और इसके लिए आप देख सकते हैं वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई है। ये किसके लिए है? तो मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना किसके लिए है? तो आपको बता दें, यूपी के शहरों में लोगों को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपको बता दें कि लखनऊ में नवाबों की 5 ऐतिहासिक इमारतें बनेंगी हेरिटेज होटल। ठीक है, ठीक है। तो आपको बता दें कि देखिए 21 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के पुरातत्व विभाग के निदेशक जो है कौन है, रेणु द्विवेदी, इन्होंने बताया कि यूपी की राजधानी लखनऊ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की 5 ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटलों में बदलने की तैयारी। वो कौन कौन से 5 दोस्तों इमारत हैं, उनके बारे में आपको बता दूँ दोस्तों। वो 5 इमारत कौन कौन से, फिलहाल आपको बता दें कि लखनऊ की छतर मंजिल है, रोशन उद्दौला कोठी है, और कोठी गुलिस्ताने इरम है, और इसके अलावा कोठी दर्शन विलास और फरहेद बक्स को हेरिटेज होटल में बदलने की तैयारी कर ली गई है। ठीक है, चलिए इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बलिया के राजीव रघुवंशी बने देश के नए DCGI। ठीक है, देख सकते हैं ये DCGI बने हैं, बलिया के हैं। ठीक है, नाम क्या है? राजीव रघुवंशी। ठीक है, इसके अलावा कि उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 को मंजूरी मिली है। आप देख सकते हैं, पूछा जाएगा कि कब मंजूरी मिली, तो आपको बता दें 22 फरवरी 2023 को राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आपको पता है फिल्म सिटी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? फिल्म सिटी कहाँ बन रही है, तो आपको बता दें कहाँ बन रही है, तो नोएडा में। इसके अलावा दोस्तों दूसरी फिल्म सिटी कहाँ बनेगी, तो आपको पता होगा कि गोरखपुर में। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, हर एक चीज़ को आपको जानना है। ठीक है, अब देखिए इसमें कहा गया है कि अगर फिल्में अवधि ब्रज और बुंदेली भोजपुरी बनाई जाएंगे दोस्तों, इसकी लागत में 50% का छूट भी दिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बनेगा हाईटेक मिलिट्री अस्पताल। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में कहां पर दोस्तों हाईटेक मिलिट्री अस्पताल बनेगा, तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ और प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। देखिए दो जगह बनेगा क्या मिलिट्री हॉस्पिटल, कहाँ कहाँ? मेरठ और राजधानी लखनऊ में, बस इतना आपको याद रखना है। अगला है इंडो इसराइल ट्रामा कोर्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इंडो इसराइल ट्रामा कोर्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों? वाराणसी के BHU में। ठीक है, तो वाराणसी में दोस्तों इसका किया गया है उद्घाटन। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला है कि उत्तर प्रदेश के बलिया में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, देख सकते हैं कहाँ से किया गया, चितबड़ा गाँव में। ठीक है, तो याद रखेगा चितबड़ा गांव किसने किया है, तो नितिन गडकरी द्वारा। ठीक है, कहां पर? बलिया में। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की नई जनसंख्या नीति। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नई जनसंख्या नीति जारी किया, क्या कहा है कि 2026 तक कुल प्रजनन दर को घटा करके 2.7 से घटा करके 2.1 करना है, और 2023 तक दोस्तों 1.7 कर देना है। इसके लिए आपको पता है कि ये सब चीज़ें चलाई जा रही हैं, तो याद कर लेना। देखिए मातृ मृत्यु दर कितना किया है, 197 से घटाकर दोस्तों 150 से 98 करना है। ठीक है, और शिशु मृत्यु दर को 43 से घटाकर 32 से 22 करना है। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको देखना होगा। चलिए अगला है कि वाराणसी को मिलेगा देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे। आपसे पूछेगा कि कहाँ पर दोस्तों अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे चालू किया जाना है दोस्तों, कहाँ पे? तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर, वाराणसी में। आपको पता है वाराणसी में दोस्तों उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल आपका क्रिकेट मैदान भी बनाया जा रहा है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो देख सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास किया जाएगा कहाँ पर, वाराणसी में। ठीक है, तो वाराणसी से कई चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। आपको पता है कि वाराणसी में ही आपका काशी विश्वनाथ मंदिर है, जिसे किसने बनाया था, तो अहिल्याबाई द्वारा बनाया गया था।
ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। देखिए कितनी रोपवे कितनी दूरी होगी, तो आपको देख सकते हैं कि कैंट स्टेशन से लेकर गोदौरिया चौराहे तक दोस्तों इसकी कुल दूरी 3.8 किलोमीटर होगी, जिसके बीच में कुल कितने 5 स्टेशन होंगे, ठीक है। जिसके बीच में कुल कितने स्टेशन होंगे, 5 स्टेशन होंगे, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके अलावा क्या है कि शहरी क्षेत्रों में 3000 वर्ग मीटर भूमि होने पर ही खोल सकेंगे निजी अस्पताल। मतलब कि अगर आप अस्पताल खोल सॉरी स्कूल खोल रहे हैं, निजी स्कूल खोल रहे हैं, तो उसके लिए आपका 3000 वर्ग मीटर दोस्तों इतना आपके पास वो होना चाहिए ज़मीन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे का कहना है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPPSC के दोस्तों नई वेबसाइट का शुभारंभ हुआ है। आपको पता होगा ये चीज़ें कि बार बार आपको दोस्तों एक ही बार दोस्तों OTP प्रणाली सक्षम है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अभी हाल ही में दोस्तों 2 जनवरी 2023 को इसकी नई वेबसाइट बनाई गई थी। अगला है कि वाराणसी देगा देश को कचरे से कोयला बनाने का प्लांट। दोस्तों ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि कचरे से कोयला बनाने का प्लांट कहाँ लगाया जाए दोस्तों, बनारस में, ठीक है। आपको बता दें 4 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के बनारस में नगर निगम के द्वारा दोस्तों आपको बता दें कचरे से कोयला बनाने का पहला प्लांट बनारस के रमना में निर्माणाधीन है। दोस्तों आपको बता दें यहाँ कितना टन कचरा होगा। दोस्तों आपको बता दें इस प्लांट के शुरू होने के लिए प्रतिदिन दोस्तों 6000 टन कचरे से दोस्तों 200 टन कोयले का उत्पादन किया जाएगा। आप देख सकते हो दोस्तों बहुत ही अच्छी तकनीकी है। अगर आपके कचरे से कोयला बन जाए दोस्तों कितना अच्छा होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या जो गंगा विलास है ये क्रूज दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है दोस्तों, आपको बता दें इसके बारे में आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं गंगा विलास क्या नाम है, रिवर क्रूज का नाम क्या है, गंगा विलास। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास नाम है इसको दोस्तों हरी झंडी दिखाकर तथा टेंट सिटी का उद्घाटन भी किया। दोस्तों आप जाएंगे तो वहां पर टेंट सिटी मिल जाएगी, ठीक है। आप पता इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 100,000 करोड़ रुपए से अधिक की अन्य अंतर्देशीय जलमार्गों की परियोजना का भी उद्घाटन किया। आप बता दें कहाँ से कहाँ तक होगा, तो आपको बता दें प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी के से डिब्रूगढ़ दोस्तों असम में पड़ता है तक के लंबे सबसे लंबे रिवर क्रूज विश्व पर्यटन मानचित्र पर उत्तर भारत के पर्यटन स्थलों को सामने लाएगा, ठीक है। आपको बता दें कि 33 देखिए यह क्रूज 33 पर्यटकों को वाराणसी से लेकर बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ तक रवाना होगी। आपको बता दें जिसमें 32 यात्री स्विट्जरलैंड के भी हैं और एक यात्री दोस्तों आपका कहाँ का है, जर्मनी का भी है। ये चीज़ आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आप कहाँ कहाँ जाएंगे, तो कुछ खास क्या क्या है आपको बता दें कि आध्यात्मिक रुचि रखने वाले काशी जाएगा, बोधगया हो गया, विक्रमशिला हो गया, पटना साहब हो गया, माजुली द्वीप दोस्तों आपको पता है ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है, नदी द्वीप है, ठीक है। ये बांग्लादेश भी जाएगा, आपको काजीरंगा पार्क भी घुमाएगा, और इसके अलावा दोस्तों ये आपको बता दें कि डेल्टा आपका जो सुंदरबन डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा, उसके भी दर्शन ये करवाएगा, ठीक है। इसके आगे देखते हैं अगला है दोस्तों कि BHU में देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया गया, ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य में राजधानी क्षेत्र SCR बनाने का काम शुरू होगा। जैसे कि आपको पता है NCR बना है, वैसे ही HCR बनाया जाएगा। कितने जिले इसमें शामिल होंगे, आपको बता दें कि इसमें लखनऊ के साथ साथ उन्नाव, सीतापुर, बरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, ये सब चीज़ें शामिल होंगी। इसके अलावा जो SCR का दोस्तों सेंटर पॉइंट होगा वो लखनऊ और बाराबंकी के बॉर्डर पर बनाया जाएगा। इसके अलावा अलीगढ़ को मिला ट्रांसपोर्ट नगर दोस्तों, आपको बता दें ये चीज़ें आप देख सकते हैं। और बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ 22-23 का दूसरे चरण का दोस्तों आयोजन किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं कि बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार देगी 11 लाख रुपए उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान देती है, जिसमें दोस्तों 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप देख सकते हैं, आपसे पूछा सकता है कितने रुपए मिलेंगे, तो 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 4 परमवीर चक्रों के विजेताओं के नाम पर दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप के नाम भी रखे गए हैं। कितने दोस्तों, 4 ऐसे। देखिए टोटल दोस्तों आपको बता दें कि 21 द्वीपों का नाम बदला गया है, मगर दोस्तों जो उत्तर प्रदेश के हैं 4 हैं। कौन कौन से हैं जिनको परमवीर चक्र मिला, जिनके नाम पर अंडमान निकोबार के द्वीप का नाम रखा गया है, कौन कौन से हैं, तो आपको बता दें। देखिए देख सकते हैं मास्टर हवलदार वीर अब्दुल हामिद और नायक जदुनाथ सिंह और लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को मरणोपरांत और मानद कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव दोस्तों जो कि जीवित हैं, ये परमवीर चक्र विजेता हैं, जिनके नाम पर अंडमान निकोबार में दोस्तों द्वीपों के नाम भी रखे जा चुके हैं, ठीक है।
उसके बाद है कि उत्तर प्रदेश दिवस पर प्रदेश भर में होगा भव्य आयोजन, हर जिले को मिलेंगे 3 लाख का बजट। दोस्तों ये देख सकते हैं आयोजन के लिए बताया गया है कि इसमें स्टॉल स्टॉल लगाए जाएंगे। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए गए लक्ष्मण व रानी लक्ष्मी अवार्ड। देखिए आपको पता है खेल के क्षेत्र में जो बच्चे हैं दोस्तों उनको लक्ष्मण अवार्ड दिया जाएगा और लड़कियों को दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड भी दिया जाएगा, ये देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें नाम भी सुझाए गए हैं किसको किसको मिलेगा, जैसे आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई 2020-21 के लिए मिला है, तो ये सब उनके नाम हैं, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। बहुत ही अब देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख पद्म पुरस्कार के लिए चयनित व्यक्ति कौन कौन से हैं, तो देखिए ये आपको याद रखना कि कौन कौन से लोगों को देखिए उत्तर प्रदेश के जो कि इन्हें पद्म पुरस्कार मिला है। तो देखिए पहले हैं श्री राधा चरण गुप्त जी साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य शिक्षा क्षेत्र में। अगले हैं दिलसाद हुसैन कला क्षेत्र में, श्री अरविंद कुमार विज्ञान के क्षेत्र में, और श्री उमा शंकर पांडे सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, और मनोरंजन साहू को दवा के क्षेत्र में, और ऋतिक सान्याल को दोस्तों कला क्षेत्र में, और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, इनको दोस्तों दिया गया है पुरस्कार। ठीक है ये चीज़ आपको याद रखना है। अब आगे बता दें कि देश में सर्वाधिक विद्युत कनेक्शन देने वाला राज्य बन गया है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है एक चीज़ और याद रखेंगे कि गोरखपुर के पनियाला को मिला जीआई टैग। दोस्तों को बता दें कि इसके पहले गोरखपुर के टेराकोटा उत्पाद को भी जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है ये फल जैसा होता दोस्तों, खाने में खट्टा मीठा इसका स्वाद होता है। ठीक है जामुन से मिलता जुलता होता इसका स्वाद कैसा होता, खट्टा मीठा पनियाला। अगर कोई गोरखपुर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकता। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।